अगर आपको ऐसी मूवी की तलाश है जिसमें खून खराबा हो, एक्शन हो, रोमांस हो, हर चीज ओवररेटेड हो, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया दुनिया की सबसे बेस्ट सलासर मूवी, जो आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियो चाहिए तो आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं अपनी पहली मूवी की, अमेरिकन मैरिज। 2012 में रिलीज हुई ये एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी की स्टोरी एक मेडिकल छात्रा के चारों ओर घूमती है, जो कि पैसे के लिए काफी ज्यादा परेशान होती है, और अपनी इसी कमी को पूरा करने के लिए वो एक सर्जन के यहाँ पर काम करने लगती है, जो कि अंडरग्राउंड होता है। फिर उसके साथ किस तरह की अजीबोगरीब हरकतें होती है और उसको किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, वो देखकर आप भी दंग रह जाओगे। बात करते हैं अगली मूवी की, आइसलैंड ऑफ द डॉल्स 2। इसमें हमें एक रहस्यमय गुड़िया को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा विचित्र होती है, जिसके अंदर एक खतरनाक आदमी की आत्मा कैद होती है, जो कि हर किसी को परेशान करने लगती है, और वो किस तरीके से कत्ल आम मचाती है वो देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। और ये डॉल कहाँ से आई है और इसका राज क्या है, जानने के लिए देखिए इस मूवी को। बात करते हैं अपनी अगली मूवी की, फाउंड। 2012 में रिलीज हुई ये एक हॉरर क्राइम फिल्म है। इस मूवी की स्टोरी घूमती है एक लड़के के चारों ओर, जिसका नाम गेविन ब्राउन होता है, जिसका एक बड़ा भाई भी होता है, और ये लड़का काफी ज्यादा शरारती होता है। लेकिन इसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब इसको पता चलता है कि इसका बड़ा भाई एक खतरनाक सीरियल किलर है, और इस राज को इसका भाई भी जान जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है वो देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। बात करते हैं अपनी अगली मूवी की, कॉल गर्ल ऑफ कुथुलू। इस फिल्म में हमें एक लेखक को दिखाया जाता है जिसको एक कॉल गर्ल से प्यार हो जाता है। फिर इसके बाद इसकी जिंदगी कैसे बदलती है और इसकी जिंदगी कैसे बदलती है और इसको कैसे पता चलता है दुनिया के डार्क सीक्रेट, वो देखकर आपका भी दिमाग हिल जाएगा। बात करते हैं अपनी अगली मूवी की, लिजी बोर्डन रिवेंज। इसमें हमें एक लिजी नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा साइको होती है और काफी ज्यादा गुस्सैल भी होती है, और अपने इसी गुस्से के कारण वह अपने माता पिता को बड़ी बेरहमी से मार देती है। लेकिन इसके बाद भी ये नहीं रुकती। फिर इसके बाद कैसे ये अपने दोस्तों की पार्टी में जाती है, और जब वे इसका मजाक उड़ाते हैं, फिर ये कैसे उन सबको बड़ी बेदर्दी से मारती है, वो देखकर आपका भी दिमाग खिल जाएगा। आपको पता चलता है कि एक व्यक्ति जब अपना बदला लेता है तो किसी भी हद तक जा सकता है।